बच्चों का मन बहुत चंचल होता है। अगर बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा या फिर किसी भी कार्य में वो एकाग्रचित नहीं हो पा रहे हैं, तो फेंग शुई में बताए गए कुछ आसान से उपाय आप आजमा सकते हैं। इन उपायों से बच्चों में एकाग्रता बढ़ेगी और पढ़ाई के साथ खेल कूद और अन्य रोजमर्रा के कार्यों में भी बेहतर कर सकेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं इन उपायों के बारे में। घर में उत्तर दिशा में फेंग शुई ग्रीन लैंप लगाने से बच्चों में एकाग्रता बढ़ती है। क्रिस्टल वॉल को नॉर्थ ईस्ट दिशा में रखने से बच्चों के भविष्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। बच्चों के स्टडी रूम में माँ सरस्वती की मूर्ति या चित्र ऐसी जगह लगाएं जहाँ सभी की नजर जाती हो। बच्चों के कमरे में दौड़ते हुए घोड़े, उगता हुआ सूरज, बच्चों के सर्टिफिकेट और ट्रॉफी आदि लगाएं। हरे रंग के तोते वाला पोस्टर घर लेकर आएं और इसे उत्तर दिशा में लगा दें। माना जाता है कि ऐसा करने से बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ती है। तोता पालने से भी बुध ग्रह की अनुकूलता बढ़ती है। आपको बता दें, बच्चों की स्टडी टेबल गोल, आयताकार या फिर आकार में चौकोर हो, स्टडी टेबल के सामने 2 फुट का स्थान रखें। ऐसा करने से बच्चों को मिलने वाली ऊर्जा में बाधा दूर हो जाती है। आपको बता दें, बच्चों का स्टडी रूम अस्त व्यस्त ना हो। बच्चा जिन पुस्तकों को नहीं पढ़ता हो उन्हें वहां से हटा दें। बच्चों की स्टडी टेबल को उत्तर दिशा में रखना चाहिए। पढ़ाई करते समय बच्चों का मुख भी उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। पढ़ाई करते समय बच्चों की पीठ के पीछे खिड़की हो तो ज्यादा बेहतर है। बच्चों के कमरे में शीशा ऐसी जगह ना लगाएं जहां पुस्तकों पर उसकी परछाई पड़ती हो। ऐसा होने पर बच्चे पढ़ाई को बोझ मानते हैं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।